सर मेरे पास काफी सारे कमेंट्स आते हैं बजट गेमिंग माउस के लिए और हमने काफी सारे रिव्यू भी कर रखे हैं। आज अपने पास है भाई एक बहुत ही खास चीज, ये है आर्कटिक फॉक्स का गेमिंग माउस, वही कैरी मिनाटी वाली आर्कटिक फॉक्स डाइव इन। और इसका ये बैग भी रिव्यू किया था हमने, अभी तक सही चल रहा है वैसे। तो बैग कौन रिव्यू करता है, हम करते हैं। और ये सिर्फ 189 रुपीस का मिला मुझे, देखते हैं फिर। तो कुछ ऐसा बॉक्स है, देख सकते हो, बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं है बॉक्स, लेकिन ठीक है। बॉक्स कंटेंट में भाई कुछ नहीं, सिर्फ अपना माउस। आर्कटिक फॉक्स वाले समझदार है, इनको पता है कि भाई मैनुअल किसी ने पढ़नी नहीं है तो क्या ही करेंगे देखे। MRP तो भाई 600 रुपए लिखा हुआ है, हमें क्या। काफी सही लग रहा है देखने में तो यार, फर्स्ट लुक तो बढ़िया है। ये रहा इसका USB 3.0 वाला पोर्ट, टेंशन मतलब 2.0 में भी काम करेगा। बाकी वायर इसकी वही नॉर्मल वाली है, ब्रेडेड नहीं है, तो सीधा प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है। मैक और विंडोज दोनों के साथ कंपेटेबल है ये, मतलब हर USB डिवाइस साथ चल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी डिजाइन तुम देख सकते हो, काफी हद तक गेमिंग लुक दे रहा है भाई। ये वाला सरफेस अपना मैट फिनिश में आता है, थोड़ा सा रबराइज सा टेक्सचर होता है ना जैसे, वैसा हाथ में लेती है, मतलब सॉफ्ट ग्रिप वाली फीलिंग देता है। तो ये अपना आर्कटिक फॉक्स का लोगो, जिसके अंदर से RGB लाइट तुम्हें दिखेगी मस्त मस्त, और यहाँ पर साइड से भी हमारे को थोड़ी बहुत RGB दिखती है ब्लिंक होती हुई, बाकी लेफ्ट और राइट साइड पर। और ये सेंटर में ब्लू फिनिश दे रखी है, जो कि लुक्स वाइज काफी प्रीमियम लगेगी, मतलब ऐसा कोई हल्का और सस्ता नहीं लगता ये दिखने में। बाकी ब्लू वाला सरफेस अपना प्लास्टिक का है, नीचे से भी पूरा प्लास्टिक है और थोड़ी बहुत ग्रिप्स दे रखी है, ऐसा सरफेस पे स्मूथ लगता है अगर फ्लैट टेबल है तो। रफ सरफेस पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो माउस पैड यूज कर सकते हैं उसके लिए। बाकी ये जो अपना स्क्रोल व्हील है, इस पे भी बिल्कुल रबराइज टेक्सचर है, तो ग्रिप की मतलब कमी नहीं छोड़ रखी कहीं पे। और ये रहे अपने लेफ्ट राइट बटन, तो ऐसा कोई एक्स्ट्रा बटन वगैरह नहीं है जनरली जो हमें गेमिंग माउस के अंदर मिलते हैं, पर ये सस्ता भी तो है ना फिर। DPI के लिए हमें ये वाला बटन मिलता है इसका, और अप टू 3600 तक इसकी DPI चली जाती है। बाकी इन हैंड फील में मुझे कोई कमी नहीं लगी इसकी, ऐसा तुम इसे यूज करोगे तो हाथ में ग्रिप बढ़िया मेंटेन होगी, प्लस ये ना सिमेट्रिक माउस है, तो लेफ्ट और राइट हैंडेड जैसे भी हो तुम काम चल जाएगा बढ़िया। एंड अगर वेट की बात करें तो कुछ 89 ग्राम्स के आसपास इसका वेट है, हल्का है भाई। 80-90 ग्राम्स तक कोई भी माउस अगर तुम लोगे ना, तो अगर तुम इसे लंबे समय तक भी यूज करोगे तो हाथों में दर्द नहीं होता, ये बेस्ट चीज होती है। क्योंकि जितना भी मैंने इसे यूज किया अभी तक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, अपने नॉर्मल काम वगैरह करने में, ब्राउजिंग या फिर जो भी अपने काम होता है, इवन मैंने तो एडिटिंग वगैरह भी इससे करके देखी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी इसमें, लंबे आवर्स तक भी तुम इसे यूज कर सकते हो। बट हाँ, ये गेमिंग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें RGB लगा दी। बाकी DPI वाला फंक्शन आजकल नॉर्मल माउस में भी मिलता है, बस इसकी थोड़ी ज्यादा है कंपैरेटिवली, और कुछ अलग नहीं है इसमें, मतलब तुम्हें लगे कि हाँ भाई गेमिंग माउस है, RGB दे दी बस गेमिंग हो गया। फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा बहुत गेम्स खेल के देखे, GTA 5 वैलोरेंट वगैरह, ताकि स्पोर्ट्स में पता चल जाए कैसा है। ऐसा गेमिंग में कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से खेल सकते हो, बट मैं ये कहूंगा कि कॉम्पिटिटिव लेवल की गेमिंग मत करना क्योंकि इसमें वो वाले फीचर नहीं है। पोलिंग रेट का ही मेंशन नहीं था क्योंकि गेमर्स को ज्यादा चाहिए होता है इसके अंदर, मुझे लगता है कि जो नॉर्मल आता है ना 125 हर्ट्ज़ वही होगा। कैजुअली अगर हल्के फुल्के गेम वगैरह खेलने हैं तो वो सब तुम आराम से खेल पाओगे बिना किसी दिक्कत के, बट अगर सीरियसली गेमिंग करनी है ना तो भाई 190 रुपए मत खर्च करना, थोड़े ज्यादा खर्च करना। बाकी ऐसा बिल्ड क्वालिटी में या फिर मतलब देखने में भी तुम्हें हल्का नहीं लगेगा, यूज करोगे तो भी तुम्हें सस्ती फीलिंग नहीं देगा, ये पक्का है। तो मुझे 189 रुपीज में बहुत सही लगा है। अगर तुम कैजुअली अपने लिए खरीदना चाहते हो पर तुम्हें RGB पसंद है तो डेफिनेटली ये वर्थ है भाई। 190 रुपए में आजकल मोबाइल का कवर नहीं आता, यहाँ में गेमिंग माउस मिल रहा है, क्या ही लोगे। बाकी मैंने टॉप 5 माउस कवर किए थे 500 के नीचे, तो उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो, काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी अगर तुम्हें और ज्यादा अच्छे माउस भी देखने हैं। और अगर इसे खरीदना चाहते हो तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मजा आ गया हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना, लाल बटन ग्रे करके बेल आइकन पे। हम मिलेंगे ऐसी किसी मस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।